सभी दर्शकों को प्रदीप सुदकण की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल जी। तो आज पहुंच गए हैं जी कृष्ण शिवरायन डेयरी फार्म पंचकुला पिंजौर में, और सामने देख पा रहे भाई काफ़ी सारा गोदन है। तो इसकी पूरी जानकारी है वो भाई से लेंगे, एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि देखो जी जितनी गाय आप देख पा रहे हैं, एक ऐसे एरिया में बिल्कुल भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इतने पशु भी नहीं है, लेकिन भाई ने देखे यहाँ पे कितनी सारी जो गौ माताएं हैं वो रखी हैं, आप देख सकते हैं भाई बिल्कुल। और साथ में अपना बिजनेस भी है, और उसके साथ साथ में जो गौ प्रेम है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ इनकी जानकारी है वो पूरी सारी हम लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी शेयर जरूर करें, और आपको मिलवाएंगे मनीष भाई से। मनीष भाई राम राम। राम राम भाई साहब। और मनीष भाई बढ़िया भाई, ठीक ठाक हो? ठीक जमा। तो अपने दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम भाई साहब। मनीष भाई अपना जो यहाँ का पूरा एड्रेस है वो बता दो। जिला पंचकूला पिंजौर जी, न्यू गोरखनाथ मंदिर। अच्छा, तो टोटल कितने गाय भाई अपने पास? अपने पास 28 पशु भाई। 28 पशु है। अच्छा, और भाई जी आपने बता शुरुआत किस तरह से करी थी गायों की? देखो एक ऐसे एरिया में भाई इंडस्ट्रियल एरिया अपना ये है जहाँ फिलहाल हम खड़े हैं, तो यहाँ पे गायों की शुरुआत किस तरह से करी? शुरुआत ऐसे करी थी हमने, एक पंडित जी आते है गौशाला वाले, उन्होंने भाई जी को बोला कि गाय लेके आओ, गाय की सेवा भी होगी और बिजनेस में भी वृद्धि होगी। फिर आप स्टार्टिंग में जिसकी आपने मिल्किंग चलाई हो वो एक गाय लेके आए थे। अच्छा, उसके बाद से आते रहे पशु आते रहे, आज 28 पशु हो गए अपने पास में। तो आपने एक बात और कही कि भाई बिजनेस भी अपना बढ़िया चल रहा है, थोड़ा अपने काम के बारे में बता दे दर्शकों को जी। काम बहुत अच्छा चल रहा है अपना, प्लास्टिक का काम है। अच्छा, उसका दाने का अच्छा बढ़िया काम, जो वेस्टेज है उसको रिसाइकल भी करो साथ में, ठीक है। और देखे भाई जो पीछे आप देख भी पा रहे हैं मशीनें वगैरह लगी हुई है, तो इनका भाई का काम है जी। और प्रॉपर अपना गाँव कौन सा अपना हरियाणा में मान लो भाई? खेड़ी चोपटा। अच्छा, हिसार। तो शुरुआत में आप एक लेके आए थे? एक गाय लेके आए थे भाई। अच्छा, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है बच्चे आते रहे, बद्दी रहे। अच्छा, 28 के आसपास टोटल पशु हो गए। अच्छा, और इनके बारे में भाई थोड़ा बताएं, ये जो सामने बछड़ी देख पा रहे हैं, ये गिर की बच्ची है भाई, गिर नस्ल की बछड़ी। गिर नस्ल की बच्ची है, 14 महीने की हुई है अभी। कितने महीने? 14 महीने की। 14 महीने की बच्ची हुई। अच्छा, तो बछड़ी देखें जी गिर नस्ल की बछड़ी है, और जो नीचे की अर्डर की क्वालिटी है भाई 14 महीने में ही आप जो देख पा रहे हैं, कितनी दूर से पता लग जाएगा जी जो कितनी जबरदस्त जो इसकी क्वालिटी है। और गिर के साथ में भाई साहीवाल है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा जी, ये देखें। तो ये बछड़ी है भाई, ये बछड़ी सर सारी यूनिट स्टार्टिंग हुई है? इसे स्टार्टिंग हुई है भाई सारी। अच्छा अच्छा, इसकी माँ का रिकॉर्ड 1900 है। 1900 रिकॉर्ड करवा रखा है? रिकॉर्ड करवाया यहाँ नानकपुर हॉस्पिटल में। हाँ, और देखो जी जो सामने आपको मैं गाय दिखाऊंगा जो मिल्किंग अपने चैनल पर चली हुई है, तो साथ में एक वीडियो भी कवर की है जी। और भाई देखो मात्र जो एक दो गाय से इतनी सारी गाय भाई ने अपने जो फार्म पे कर ली है, ये देखें आप। और काम में भी देखो भाई गाय जहाँ गौ माता हो तो वहाँ पर बरकत होना तो लाजमी है। तो काफी अच्छा देखो भाई ने बताया कि काम भी साथ में चल रहा है, और गौ सेवा करने का मौका भी भाई को मिल रहा है जी, ये देखें, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो गाय के बारे में बताएं भाई जो सामने खड़ी है। स्टार्टिंग में यही गाय लेके आए थे हम। हाँ, जो स्टार्टिंग इस गाय ने हमको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। अच्छा, बिजनेस में भी, परिवार में भी, और गौ माता में बहुत वृद्धि हो रही है। ये देखें जी भाई अर्डर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफी जबरदस्त और बिल्कुल शांत स्वभाव की है, और जिसकी मिल्किंग भाई अपने चैनल पे चली हुई है। और जो दूध भाई फिलहाल कितना तैयार है इसके नीचे? इसके नीचे 20 प्लस है भाई फिलहाल। अच्छा, बच्चा क्या इसके साथ में? बच्ची है। अच्छा, हाँ बछड़ी है जी। ये देखें भाई ये बछड़ी इसके साथ में, तो इसी तरह बछड़ी आ रही है, तो साथ साथ में अपना जो है बच्चिया तैयार कर रहे हैं, बच्चिया साथ के साथ में तैयार कर रहे हैं। तो भाई इनमें कोई सेल के लिए बछड़ी भी है? नहीं नहीं, कोई नोट फोर सेल है बच्ची, सारी नोट फोर सेल है। अच्छा, भी और भी बढ़ाने का इरादा है? और बढ़ानी है। अच्छा, तो और भी संख्या देखो जो भाई को बढ़ानी है। तो हम देखो भाई जी इसीलिए आपको दिखा रहे हैं भाई, आप भी एक जैसे एक दो गाय से शुरुआत करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मकसद है, पर्पज है यही है कि आप भाई भी इसी तरह से अपना जो है वो तैयार कर सकते हैं जी। देखें मात्र दो गायों से कितनी सारी गाय भाई ने तैयार कर ली है, इसके बारे में और बताएं भाई थोड़ा। ये 16 लीटर दूध है इसके नीचे। अच्छा, हर बार बच्ची ले आती है। अच्छा, बहुत अच्छी है, इसकी वैरायटी देखो, इसकी ये पहले सुए की बच्ची देखो, इसके अच्छा। साथ ही तैयार होगी भाई, ये पहले सुए की इसकी बछड़ी है, और मन लगे इससे भी 21 आई बढ़ के 5 महीने की प्रेग्नेंट हो रही है। अच्छा, बहुत शांत स्वभाव हो गई है, हाइट लेंथ आप देख ही रहे हो भाई साहब, और ये देखें भाई नीचे क्वालिटी देखो इसकी, नीचे की जो क्वालिटी है थन वगैरह वो आप देख पा रहे हैं जी, ये देखें। और कद काठी जो बोन स्ट्रक्चर काफी है इसका, इसकी माँ से भी हाइट में थोड़ी बहुत ऊपर चली गई, ये लगा लो फिलहाल भी, क्योंकि देखो जो उसकी माँ है वो साइड में आप देख पा रहे हैं जी। और एक ये देखेगा भाई, ये देखो भाई साहिवाल,
बिल्कुल जी। इसका 21 किलो का रिकॉर्ड है इसका पिछली बार का। पिछली बार का अभी एक भी न सुने में रह रहा है, एक भी न भी बाकी है बच्चा देने में। और जो पिछले 21 किलो का रिकॉर्ड है। कितने का रिकॉर्ड है भाई इसका? 21 किलो का। 21 किलो का रिकॉर्ड। देखो जी काफी अच्छी दूध वाली जो गायें हैं भाई ने देखो सारी की सारी तैयार कर ली है। जो एक दो गायें स्टार्टिंग में ली और उनसे जो ब्रीड है वो तैयार की है जी। और इसके बारे में थोड़ा बता दे भाई। ये गिर नस्ल की है भाई साहब, प्योर गिर। गिर नस्ल है जो अपना गुजरात की नस्ल है। आगे से जो भाई माथे का जो एक होता है वो जो गिर नस्ल के कान वगैरह बिल्कुल प्योर ये देखें तो ये पहचान है भाई गिर नस्ल की। और गिर भी है भाई के पास में। और जो देख पा रहे हैं जी कुछ साहिवाल गायें ये देखें जी। और भाई टोटल देखो अपने पास लेबर काफी सारी है काम में। आपने बताया था कि 150 के आसपास लेबर है। तो दूध तो सारा अपना चाय वगैरह में लग जाता है, यही यूज होता है सब। अच्छा हाँ तो देखो भाई जो लेबर वगैरह के लिए भी दूध की अच्छी व्यवस्था हो जाती है जो उनका देखो काम में सहयोग करते हैं तो उनके लिए भी दूध की व्यवस्था हो जाती है। और भाई बिल्कुल भाई ने आज तक कभी 100 ग्राम दूध भी नहीं सेल नहीं, नहीं नहीं सेल नहीं करते किसी को। अमर दुआई वास्ते वैसे फ्री दे देते हैं दूध, कोई सेल नहीं करते। हाँ दूध चाहे किसी को इमरजेंसी है दुआई वाला है कोई ज्यादा जरूरत है तो फ्री में दे देंगे भाई। दूध वगैरह जो है सेल नहीं करते, सेल 1 रुपए का भी सेल नहीं करते बिल्कुल जी। और जो गायें भाई रखते हैं वो गौ सेवा भाव से रखते हैं, सेवा भाव से ही जो सारी गायें यहाँ पे रखी गई हैं पूरा परिवार सेवा करता हूँ मैं, ऐसे नहीं रखता। हाँ और देखो आगे भाई प्लान है इसको डबल करने का फार्म को। और साथ के साथ में देखो जो पूरी शेड भी टेम्परेरी शेड है तो इसको अच्छे तरीके से भाई बना के प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रखेंगे। आसपास का जो पूरा एरिया है ये बद्दी के टच का एरिया जी, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा। और यहाँ पे देखो गौ सेवा भाई ने रखी है, खेड़ी चोकटा गाँव से देखो आए भाई। और साथ में अपना जो पशुओं से प्यार है, पशुपालन से जो लगाव है वो आप देख पा रहे हैं जी। काफी सारे पशु यहाँ पे भी रखे हैं। और साथ के साथ में देखो अपना तो बिजनेस चल रहा है भाई और यहाँ पे गौ सेवा भी हो रही है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मनीष भाई। बढ़िया बिल्कुल जी, गौ माता की सेवा करनी बहुत जरूरी है बिल्कुल भाई जी। और जो सेवा है वो व्यर्थ नहीं जाएगी देखो। नहीं सब कुछ बहुत फायदा हो रहा है हमने इस गौ की सेवा से। बिल्कुल जी भाई, अच्छा बिजनेस, अच्छा है परिवार, अच्छा है कोई दिक्कत, बढ़िया काम जी भाई बिल्कुल। और भाई बिल्कुल शुद्ध दूध जो आपको मिलता है। और देखो जी दूध का देखो सबसे बड़ी बात है कि सेल नहीं करते हैं भाई जी बिल्कुल भी। थोड़ा आपको मैं ये देखें जी साइड में जो रिसाइक्लिंग का भाई का काम है। तो ठीक है मनीष भाई जी, ठीक है भाई, राम राम। तो भाई सभी साथी शेयर करें वीडियो को, ऐसे वीडियो जो बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पर भाई गोदन सेवा भाव से रखा जाए। और इतना सारा गोदन देखो साथ में काम भी है, बढ़िया काम चल रहा है लेकिन साथ में गौ सेवा जरूरी है, आप भी जरूर करें। सभी साथियों को राम राम जी, जय हिंद जय गौ माता की।